नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। वित्त मंत्री निर्मला सीताराम ने 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दिया गया है और वित्त मंत्री ने कहा कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। डॉक्टर, नर्स, आशा वर्कर, पैरामेडिकल और सफाई कर्मियों के लिए 50 लाख का बीमा होगा। 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 किलोग्राम अनाज अगले 3 महीने तक मुफ्त मिलेगा। पहले 5 किलो मिलता था लेकिन अब 5 किलो मुफ्त में मिलेगा। 1 किलो दाल फ्री। यही नहीं, 8 करोड़ 70 लाख किसानों के खाते में 2,000 रुपये भी भेजे जाएंगे। पैसा अप्रैल के पहले हफ्ते में चला जाएगा। मनरेगा की मजदूरी 182 से बढ़कर 200 कर दी गई है। 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में 1,500 रुपये दिए जाएंगे। बीपीएल परिवार को सिलेंडर फ्री में मिलेगा अगले 3 महीने तक। कई फैसले राज्य सरकार ने भी लिया है। एक तरफ भूख से तड़पते लोग और दूसरी तरफ कोरोना का खौफ उन बेसहारों को खाए जा रहा है। अब तक कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो आपने गांव पैदल जाते देखा होगा। अपने परिवार के साथ प्लान कर चुके हैं और गांव अपने घर जाने के लिए, उसके अलावा उन्हें और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो कुछ उन्हें सुनाई भी नहीं दे रहा है। ऐसी कई तस्वीरें आपके सामने आई हैं। धारा 144 लागू है और जगह जगह पुलिस तैनात है। पूरे देश में कोरोना का जो है माहौल, जो डर है, सता रही है। एक एक दिन खौफ में जी रहे हैं। मुंबई में ऐसे कई गरीब तबका इलाका है जहां पर भोजन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सरकार और एनजीओ से आस लगाए बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, लेकिन एक सामाजिक संस्था के लोग इनकी कितनी मदद कर सकते हैं। इन्हें एक टाइम की भोजन करा देते हैं तो शाम की भोजन के लिए आस लगाकर बैठना पड़ता है। बहरहाल सरकार अपने स्तर पर गरीबों को मदद के लिए घोषणा कर चुकी है, लेकिन इनके पास पहुंचते पहुंचते थोड़ा वक्त तो लगेगा। मुंबई की ऐसी कई इलाके हैं जिसको हम आपको गिना नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, क्योंकि काफी लंबी हो जाएगी। कई दिन बीत गए हैं जैसे तैसे, लेकिन अभी भी 3 हफ्ते निकालने हैं। अब आप ही सोचो, जिसका एक ही दिहाड़ी में काम करने के बाद घर चलता है और उसको 21 दिन घर बैठकर घर चलाना हो तो कैसे चला पाएगा। उसके सामने कितनी बड़ी चेतावनी है, कितनी बड़ी संकट है, ये हम और आप एहसास ही कर सकते हैं। लेकिन वो गरीब मजदूर उस दर्द से, उस दौर से गुजर रहे हैं, जो बरसों से सड़कों पर रहकर मांग कर अपना गुजारा करते हैं, उनको भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, क्योंकि अब कोई नहीं है सड़कों पर। हर गली, हर चौराहे, हर शहर सन्नाटा है। तरह तरह के वीडियो सामने आ रहा है। पुलिस वाले भी इनकी हालात देखकर सहम गए हैं। कुछ पुलिस वालों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन बेसहारों को भोजन कराते हुए जो तस्वीर है, तो कहीं ना कहीं ये इंसानियत का प्रतीक दे रहे हैं। अब तक पुलिस घरों में रहने की चेतावनी देती रही है और दे भी रही है, लेकिन अब पुलिस चेतावनी नहीं, अपनी सुरीली आवाज में, मीठी आवाज में लोगों को सतर्क कर रही है। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। सुनिए आप ये वीडियो को। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो। पूरा देश लॉकडाउन में जी रहा है। सोशल मीडिया पर एक अनोखा पहल सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़ा कर सकती है। सुनिए, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार सभी जनता से अपील कर रही है, घर में सुरक्षित रहेंगे, लेकिन 21 दिन देश बंद का सदमा खाए जा रहा है और उससे ज़्यादा कोरोना वायरस का भय सताए जा रहा है। अब वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, लोग कितना बेबस हैं, मगर क्या करें। एक कंटेनर में
मिले 300 आदमी। ये लोग राजस्थान के रहने वाले हैं, ये लोग हैदराबाद में काम करते हैं, लॉकडाउन के चलते राजस्थान जाने की कोशिश कर रहे थे और रास्ते में इन्हें चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ लिया। अपने गांव पहुंचने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं लोग, ट्रेन बंद है इसलिए कंटेनर में बैठकर प्लान किए थे, लेकिन महाराष्ट्र तेलंगाना सीमा पर पुलिस की जागरूकता से मामला हुआ उजागर। कंटेनर में कैसे बैठे 300 लोग अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन इतना तो साफ है इनकी मजबूरियां इन्हें इस कंटेनर में बैठने पर मजबूर किया है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।